नमस्कार दोस्तों। तो ये मेरा अगला विषय जो है वो है ब्लैक सन सीरीज के होलोग्राफिक यूनिवर्स, लाइट सोर्स, माउंट मेरू, उसके बारे में है। तो आकाश में कभी कभी सूरज ऐसे दिखता है, आपने कभी देखा है? इसको हम सन डॉग बोलते हैं। तो साइंटिस्ट का मानना है कि इट इज क्योंकि हवा या आइस क्रिस्टल्स से कुछ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब तो सूरज की किरणें आ रही हैं 93 मिलियन से 93 मिलियन माइल्स या 149 लाख किलोमीटर। और जब वो आइस क्रिस्टल्स पे गिरती हैं तो ऐसे होता है। मैं नहीं मानता, ये तभी मुमकिन है जब कोई लाइट सोर्स हो, कोई रिफ्लेक्शन सरफेस हो। मान लीजिए आप धरती पे हैं इधर, और बीच में कोई ग्लास है, एकदम क्लियर ग्लास, और कोई बादल नहीं है। अब साइंटिस्ट बोलते हैं कि बादल है। कुछ ऐसे फोटोज भी हैं जहां कोई बादल भी नहीं है, फिर भी ऐसा फिनोमिनन हो रहा है। ये देखिए, इधर कोई तो बादल नहीं है, इधर थोड़े बादल हैं इधर ऊपर, लेकिन यहाँ तो कोई बादल नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका कारण यही है कि हमारे ऊपर एक मोल्टन ग्लास है, एक शीशा है, हम शीशे के अंदर रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पागल साइंटिस्ट इसी को क्रॉस करना चाहते हैं, इस ग्लास फर्मामेंट या डोम, जो भी आप कह लीजिए। इसलिए अंधाधुंध वो रॉकेट्स भेजते रहते हैं, उसके अंदर छेद करने का कोशिश किया। अभी सन के माध्यम से दे वांट टू कम्युनिकेट विद सोल्स ऑफ अदर डायमेंशन। ये देखिए, ये कॉफी कप है, इसके अंदर कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो या तो रोशनी एकदम नीचे से आ रही है, एबिस से, एबिस का मतलब है नरक, जो धरती के नीचे है, और वो जाके हीट करती है ग्लास को, ऊपर वाले ग्लास को नीचे से लाइट भेजा जाता है, या माउंट मेरू से एक इनविजिबल इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक कनेक्शन है इस लाइट सोर्स को, जिसके वजह से ये सब होता है जो आकाश में हम देखते हैं। ये सब, यहाँ तो कोई बादल नहीं है, ये ऐसा है, हो रहा है इसलिए क्योंकि हम शीशे के अंदर हैं। मूवीज में भी इसको दिखाया जाता है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, देखा, इसके अंदर हैं हम, ये सब तारे, रिफ्लेक्शन होता है, लाइट कहीं नीचे से आता है। क्योंकि मूवी वाले इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं, आपको सटली मैसेज बताते हैं, इसके अंदर हैं हम, इसलिए इसको ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस इफेक्ट बोलते हैं। मैं वो भी दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये आपका ग्लास हाउस इफेक्ट है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि सूरज की जो किरणें हैं वो ग्लास के अंदर से धरती के अंदर आती हैं। तो हमारे सर के ऊपर एक डोम है, और ये सारे पेड़ पत्ते फूल जो भी हैं वो इस लाइट को ट्रैप करते हैं। एक बात आप याद रखिएगा कभी भी, कि सूरज की किरणें से धरती गर्म नहीं होती है। सूरज की किरणें के अंदर सिर्फ फोटोन है, लाइट है, लेकिन जो गर्मी जो पैदा होती है वो धरती के अंदर से
इस ग्लास हाउस इफेक्ट की वजह से होती है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ अंदर आती हैं, ये सब गर्म हो जाता है, और लॉन्ग वेव एटमॉस्फेयर में जाती हैं, एटमॉस्फेयर या हमारा ये बहुत गर्म हो जाता है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये देखिए फिर से, तो सूरज की किरणें आती हैं, ये गलत इधर लिखा है इसने, एस्केपिंग रेडिएशन, कुछ एस्केप नहीं होता है, सब ग्लास के अंदर ही रहता है, और इसलिए हम ऐसे गर्मी में सड़ते हैं, और सूरज के एंगल के वजह से, लाइट के एंगल के वजह से वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ पोल के अंदर सूरज का जो एंगल है वो बहुत एक्यूट है, इसलिए उधर उतनी गर्मी नहीं होती। रेनबोस जो हम बोलते हैं, इंद्रधनुष, रेनबो भी एक ग्लास की वजह से, ये हमारा ग्लास डोम है, हमारे सर के ऊपर एक ग्लास यानी शीशे का छतरी है, ये देखिए वो रिफ्लेक्ट करता है। ये इंद्रधनुष ये सब तभी मुमकिन है जब आपके सर के ऊपर ग्लास होगा, क्योंकि वो शीशा रिफ्लेक्ट करता है। सिर्फ हवा की वजह से नहीं होता है, हवा उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है जितना शीशा, शीशा अच्छे तरह से रिफ्लेक्ट करता है। आईने में आप अपना चेहरा देखो, अच्छी तरह से वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये देखिए, ये पानी के अंदर जो इफेक्ट हो रहा है, ये इसलिए क्योंकि ऊपर शीशा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।